लेकिन आज हम क्या करने जा रहे हैं उसके एक एग्जाम्पल लेंगे डिटेल में उसको रीड करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन सी इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है और कैसे हमें आंसर को शो करना है या रिप्रेजेंट करना है तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय द गोज एलिमिनेशन मैथड जो इस हमें क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन दी हैं इसे हमें सोल्व करना है बाय यूजिंग द गोज एलिमिनेशन मैथड से इतना क्लियर हुआ तो आपको इक्वेशन दी गई हैं उन्हें आप सोल्व करो और गोज एलिमिनेथड गोज एलिमिनेशन मेथड का यूज करके तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो थ्री वेरिएबल्स के लिए अब हम देखते हैं जो इक्वेशंस गिवन है हमें लीनियर इक्वेशंस तो थ्री हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फर्स्ट इक्वेशन में क्या है टू एक्स प्लस वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू ट्वेल्व फोर एक्स प्लस इलेवन वाई माइनस जेड इज इक्वल टू थर्टी थ्री

जो मेथड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है रिप्रेजेंटेशन पे जिसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी उसको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस भी होते हैं इसलिए इस वे से रिप्रेजेंट करो क्वेश्चन को कि लगे कि ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया हुआ है क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है जिसको नहीं भी आता ना वो सम वो सिर्फ पढ़कर ही समझ सके कि, कि अच्छा ये स्टेप ये फर्स्ट स्टेप में ऐसे किया सेकंड स्टेप में ऐसे किया तो होता है क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन और भी अच्छी लगती है और मार्क्स मिलते हैं तो ऐसे हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन में बिल्कुल सेम एज इट इज सम आप हाँ क्या कर सकते हो अपने एग्जाम में सोल्व कर सकते हो इसी वे से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन से फर्स्टली हम जो लाइन लिखेंगे वो वो क्या लिखेंगे द द गिवन 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 सिस्टम सिस्टम ऑफ ऑफ इक्वेशन 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 इज इज कि जो हमें पहले से है है ना क्वेश्चन में वो कौन सी यहाँ पर सारी इक्वेशन लिख लो जो ऊपर गिवन होगी फिर उसे लेट कर लो कि ये इक्वेशन नंबर वन है ये इक्वेशन नंबर टू है नेक्स्ट वाली इक्वेशन नंबर थ्री है क्या करना है हमें सबसे पहले एक लाइन लिखनी है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज और फिर तीनों जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स के लिए लीनियर लाइंस हैं लीनियर इक्वेशंस हैं उन्हें राइट right करना है और उन्हें लेट करना है ये इक्वेशन नंबर वन है ये इक्वेशन नंबर टू है एंड थर्ड वाली इक्वेशन नंबर थ्री है बस सिंपल से इतना काम करना फर्स्ट स्टेप में फिर नेक्स्ट आ जाओ फिर हम लिखेंगे जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अगर आपको याद हो कि लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था हमने क्या किया था प्रीवियस वीडियो में हमने सबसे पहले एलिमिनेट करना है एक्स वन को उसके अकॉर्डिंग वो एक्स वन था क्योंकि उसमें वेरिएबल्स जो लिए हुए थे वो क्या थे एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री लेकिन इस क्वेश्चन में देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन से वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जेड इसलिए इसके अंदर से हम सबसे पहले जो एलिमिनेट कर रहे हैं वेरिएबल वो कौन सा है एक्स है तो फर्स्टली हम एलिमिनेट करेंगे एक्स वेरिएबल को कहाँ से फ्रॉम द इक्वेशन नंबर वर्ल्ड एंड टू ये इक्वेशन नंबर वन है और ये इक्वेशन नंबर टू है यहां से इन दोनों इक्वेशंस में से हमें एलिमिनेट करना है एक्स की वैल्यूज को करें क्या निकालना पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए हमें इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें आर वन चाहिए और आर वन की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी थ्योरी में रीड किया ना हमने कैसे निकलेगी जो कॉफिशियंट होगा ऑफ एक्स का इन इक्वेशन नंबर टू वो न्यूमिनेटर में आएगा और जो कॉफिशियट होगा x का ही इक्वेशन नंबर वन में वो डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि टू से छोटा होता है वन इसलिए वो डिनोमिनेटर में है फिर चेक करो इक्वेशन नंबर टू में इक्वेशन नंबर टू में x की वैल्यू क्या है ये इक्वेशन नंबर है इसमें x की वैल्यू क्या है क्या x का ये x है और ये इसका कोफिशियंट है क्या मिला कोफिशियंट फोर तो हमने फोर लिख लिया फिर नेक्स्ट वाला चेक करो इक्वेशन नंबर वन में एक्स काफिशियंट क्या है ये इक्वेशन नंबर वन है इसमें कोफिशियंट क्या है एक्स का टू है तो नीचे हमने डिनोमिनेटर में टू लिख लिया अब इसे कट करो टू वन झा टू 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 जा फोर तो आर वन की वैल्यू जो है वो क्या आ गई टू आ गई आर वन की वैल्यू टू मिल गई नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जहां पर हमें क्या करना था इक्वेशन नंबर टू से माइनस करना था इक्वेशन नंबर वन को बाय मल्टीप्लाई द आर वन मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर वन बाय द आर वन एंड सब्ट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर टू देन वी हैव क्या करना है जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया ना अभी कैसे करना है इक्वेशन नंबर टू को सबसे फर्स्टली लिखना है माइनस करना है इक्वेशन नंबर वन को लेकिन हम इक्वेशन नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे आर वन से तो इक्वेशन नंबर वन को इसने पहले आर वन से मल्टीप्लाई कर दिया बाद मेंंबर वन क्या थी टू एक्स वाई प्लस फोर जैड इसको मल्टीप्लाई कर दो टू से लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो लीनियर इक्वेशन ले रहे हो ना इक्वेशन नंबर वन या टू कोई भी इक्वेशन तो उसको सिर्फ आप इतना मल्टीप्लाई करोगे नहीं आप इतना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि हमें इक्वेशन में रिजल्टेंट भी गिवन है टू एक्स प्लस वाई प्लस फोर जेड तक नहीं है इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू ट्वेल्व है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से और राइट हैंड साइड पे भी अब उसने कहा कि इतना इक्वेशन ट्वेल्व के इक्वल है अब आपने इस इक्वेशन में तो मैनिपुलेशन कर दिया उसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी जो पावर थी इसका जो क्वेश्चन का इक्वेशन था स्टेप था या इसकी जो मेन ओरिजिनेलिटी थी वो चेंज हो गई या ट्वेल्व के इक्वल नहीं रहेगा इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे हर बार वो अलग वैल्यू देगा तो इसलिए हमने ट्वेल्व से भी इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया टू से बहुत साइड मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा टू को टू से करेंगे फोर एक्स फिर टू को वाई से करेंगे टू वाई टू को फोर जेड से करेंगे एट जेड और 12 को टू से करेंगे यहां आएगा ट्वेंटी फोर इक्वेशन नंबर वन को आर वन से मल्टीप्लाई कर दिया अब क्या करेंगे छोटा सा स्टेप रहेगा तो कि इक्वेशन नंबर टू में से इक्वेशन नंबर वन को माइनस कर दो इक्वेशन नंबर टू में से वन को माइनस कर दो ये इक्वेशन नंबर टू है जो अभी हमें मिली है क्वेश्चन में गिवन थी ना फोर एक्स प्लस इलेवन बाय माइनस जेड यहाँ पे ब्रैकेट लेके अगर आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये कौन से पार्ट में बिलोंग कर रहा है इक्वेशन वन से कर रहा है या टू से कर रहा है अगर उसके जो सिंबल्स हैं प्लस माइनस के जो साइंस हैं अगर चेंज भी होने होंगे तो वो भी पता लग जाएगा अगर आप सिंबल्स हैं यहां लगा के छोड़ देते माइनस और यहां ब्रैकेट नहीं लगाते तो जो सिंबल्स चेंज होने हैं ना वो होते नहीं और आंसर गलत आता तो कोशिश करो कि मैथ्स में जब भी आप ऐसी इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो तो ब्रैकेट्स का यूज जरूर करो यहां पर हमने ब्रैकेट्स लिया ओपन करो ब्रैकेट्स को फोर एक्स प्लस इलेवन वाई माइनस जेड ये तो ये वाली इक्वेशन है अब माइनस वाला जो ब्रैकेट है इसको ओपन करना है फोर एक्स क्या है प्लस की वैल्यू है ना लेकिन बाहर माइनस है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा माइनस आएगा यहाँ फोर एक्स जो है वो माइनस का हो जाएगा फिर टू वाई भी है वो भी पॉजिटिव है वो भी चेंज होगा जाएगा फिर एट जेड है वो भी पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव हो जाएगा साइन चेंज करने जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव से नेगेटिव ही हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो सकता है बस साइन चेंज होगा जो भी होगा उससे अपॉजिट हो जाएगा साइन से सॉल्व करो देखो यहाँ पर 4x है जो x वाले टर्म्स हैं वो x वाले टर्म के साथ ऐड और कैंसिल होंगी y वाले टर्म्स y वाली के साथ ऐड और कैंसिल होंगी और z वाले z वाले के साथ 4x है x वाली और कोई टर्म है यहाँ देखो ये यह है x वाली टर्म ये प्लस का 4x है ये माइनस का 4x है 4x में से 4x चले गए कितना बचा कुछ भी नहीं तो ये कैंसिल हो गया फिर 11y में से माइनस कर दिया -2y 11y में से -2y कर दिया कितना हुआ नाइन वाई फिर माइनस जेड और माइनस जेड माइनस एट जेड माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है लेकिन सिंबल माइनस का आता है तो एट और वन कितना हो गया नाइन और सिंबल आ गया माइनस का फिर इधर इसका जो राइट वाला साइड है इसका जो राइट वाला साइड है उसके अंदर भी मैनिपुलेशन करनी है इक्वेशन नंबर टू से वन को माइनस करना है थर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी फोर करोगे नाइन आ गया फिर अब इस वाली इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां से भी नाइन कॉमन आ रहा है ना

इक्वेशन नंबर वन को मल्टीप्लाई बाय आर वन तो हमें एक नई इक्वेशन मिल गई जो मिली है इक्वेशन नंबर फोर विच इज वाई माइनस जेड इज इक्वल और फिर जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हमने क्या करना है इक्वेशन नंबर वन एंड टू का तो हमने यूज कर लिया एलिमिनेट करना है अब एक्स को बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर वन एंड थ्री वन एंड थ्री का यूज कर रहे हैं इस बार तो आर टू निकलेगा आर टू निकालना है आर टू कैसे निकलेगा कॉफिशंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर थ्री डिवाइडेड बाय द कोफिशेंट ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर वन क्योंकि थ्री से छोटा होता है वन इसलिए डिनोमिनेटर में आएगा अब चेक करो कि इक्वेशन नंबर जो थ्री है उसके अंदर एक्स का कोफिशेंट क्या है उसमें एक्स का कॉफिशेंट है एट और वन में क्या है टू इसको डिवाइड करो टू वन जो टू टू फोर जो एट तो आर टू की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई फोर आ गई ये सेम स्टेप है अगर आपको एक बार स्टेप समझ में आ गया इक्वेशन नंबर वन एंड टू वाला कि आर वन को कैसे निकालना है आर वन से आपने एक इक्वेशन निकाल ली फिर इक्वेशन से टू से वन को माइनस करके इक्वेशन निकल गई जिससे हमने इक्वेशन नंबर फोर दे दिया फिर अब नेक्स्ट स्टेप में भी सेम करेंगे निकालेंगे फिर R2, R2 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर से और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर थ्री से फिर एक नई वैल्यू निकल के आएगी नई इक्वेशन उसे इक्वेशन नंबर फाइव देंगे अब आर टू निकल गया आर टू के बाद क्या करना है मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर वन को बाय आर टू एंड सब्ट्रैक्ट करना है उसी इक्वेशन को जो मिलेगी थ्री से इक्वेशन नंबर थ्री से फिर हमने लिखा इक्वेशन नंबर वन एंड थ्री क्योंकि इसका अभी हमने यूज करना सबसे पहले देखो क्या किया इक्वेशन नंबर थ्री लिखी ये जो है ये इक्वेशन नंबर थ्री है फिर इसने माइनस किया हुआ है इक्वेशन नंबर वन को जो किससे मल्टीप्लाई हो रही है आर टू से ये इक्वेशन नंबर थ्री है इक्वेशन नंबर थ्री की वैल्यू क्या है वैल्यू ये है ना एट एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू जेड इज टू ट्वेंटी फिर माइनस का सिंपल लगाया क्योंकि माइनस करना है इक्वेशन नंबर वन लिखी वो क्या है टू एक्स प्लस वाई प्लस फोर जाए और यहां पर ये फोर क्या है जो मल्टीप्लाई में है आर टू की वैल्यू फिर ऐसे सेम काम हमें किस में करना है राइट हैंड साइड पे करना है इक्वेशन नंबर जो थ्री है उसका रिजल्टेंट क्या था ट्वेंटी ट्वेंटी को माइनस करना है ट्वेल्व लेकिन फोर के साथ मल्टीप्लाई करके क्योंकि फोर आर टू की वैल्यू है अब इसे सोल्व करो ये वाला पार्ट तो एज इट इज लिखा जाएगा माइनस है और मल्टीप्लाई भी करना है और माइनस फोर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस एट एक्स माइनस फोर को वाई से करोगे तो माइनस फोर वाई और इसी माइनस फोर को फोर जेड से करोगे तो आएगा यहां पर माइनस सिक्सटीन में से माइनस करना है फोर मल्टीप्लाई ट्वेल्व को तो सबसे पहले फोर को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर लो फोर्टी एट आएगा फिर एक्स वाली टर्म्स देखो कहाँ है ये वाली एक्स की टर्म मैच हो रही है एट एक्स में से माइनस कर दो एट एक्स को क्या बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी फिर वाई वाली टर्म्स देखो माइनस थ्री वाई और माइनस फोर वाई कितना होता है माइनस सेवन वाई क्योंकि माइनस और माइनस के जब सिंबल्स आते हैं तब करते तो हम एडिशन है लेकिन सिंबल माइनस का लगाते हैं तो थ्री और फोर सेवन होता है और दोनों का सिंबल क्या है माइनस है इसलिए माइनस लगाया प्लस टू जेड और माइनस सिक्सटीन जेड प्लस माइनस माइनस होता है और सिंबल बड़े वाले का आता है माइनस सिक्सटीन जेड मतलब इसका क्या करोगे आप सिक्सटीन में से टू को माइनस करो कितना आया फोर्टीन और सिंबल बड़े वाले का लगा दो सिक्सटीन का मीज माइनस क्वल टू में ट्वेंटी माइनस फोर्टी एट कितना होता है माइनस ट्वेंटी एट अब क्या कर सकते हो माइनस सेवन आप कॉमन ले सकते हो इस इक्वेशन को शॉर्ट करने के लिए माइनस सेवन कॉमन ले लिया अंदर बचा वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी एट अब यहाँ पर सेवन जो है उससे डिवाइड करो ट्वेंटी एट को फोर आ गया फोर आ गया और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया क्या बचा वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू फोर इक्वेशन नंबर फाइव भी मिल गई अब देखो इक्वेशन नंबर फोर मिल गई इक्वेशन नंबर फाइव भी मिल गई अब हम थ्री वेरिएबल से एलिमिनेट होकर कहाँ आ गए टू वेरिएबल पे अब एक्स वाई जेड की जगह सिर्फ वाई और जेड है अब हम वाई को एलिमिनेट करेंगे ताकि जेड की वैल्यू मिले वाई को एलिमिनेट करेंगे तो क्या निकालेंगे आर थ्री आर थ्री कैसे निकलेगी इक्वेशन नंबर जो फाइव है उसमें कॉफिशेंट लो वाई का और डिवाइड करो कॉफिशेंट ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर फोर से इक्वेशन नंबर फाइव को हमने न्यूमिनेटर में क्यों रखा क्योंकि वो फोर से बड़ा है इसलिए हमने इसको न्यूमिनेटर में रखा दोनों को इक्शन वन है वन, से वन, वन ही आएगा तो आर थ्री की वैल्यू आ गई नेक्स्ट टाइप हम क्या करते हैं बताओ मल्टीप्लाई करते हैं ना मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन इक्वेशन नंबर को हमेशा वो वाली की वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है जो डिनोमिनेटर में होती है पिछली दो बार कौन सी इक्वेशन डिनोमिनेटर में थी वन इक्वेशन नंबर वन इस बार कौन सी इक्वेशन जो है डिनोमिनेटर में थी इक्वेशन नंबर फोर तो इक्वेशन नंबर फोर को मल्टीप्लाई किया आर थ्री से और सब्रैक्ट कर दिया आर फाइव से जो न्यूमिनेटर में है है वैल्यू इक्वेशन नंबर फाइव की माइनस करा इक्वेशन नंबर 4 को और मल्टीप्लाई कर दिया आर थ्री से आर थ्री लिखो ना लिखो बराबर है, क्योंकि 1 से हो, हो गया ये देखो ये चीज बतानी थी मुझे आपको कि जरूरी नहीं है प्लस का साइन हमेशा माइनस में ही चेंज होगा माइनस का जेड है और बाहर भी माइनस है तो ये प्लस का माइनस होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में माइनस कैंसिल हो जाते हैं फिर फोर माइनस वन हो गया थ्री अब इसे सोल्व करो y है y वाली वैल्यू को है कोई है वैल्यू y वाली है माइनस वाई तो y से y कैंसिल हो गया तो ज़ेट और z कितना हुआ प्लस करके थ्री जेड और इधर भी थ्री है थ्री को कॉमन लो थ्री से थ्री कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा z की वैल्यू वन बचेगी अब हमें z की वैल्यू मिलगी कि z वन है नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे इसको फोर या फाइव किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू लेंगे अब देखो z की वैल्यू मिल गई है ना हमें अब उसे क्या करेंगे या तो इक्वेशन नंबर फोर में आप पुट कर सकते हो जरूरी नहीं है फाइव में करना है फोर में भी पुट कर सकते हो और फाइव में भी पुट कर सकते हो हमने जो पुट किया है वो किस में किया है इक्वेशन नंबर फाइव में ये इक्वेशन नंबर फाइव है वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू फोर इसके अंदर वाई वाई एज इट इज प्लस टू जेड की वैल्यू वन पुट कर दी इक्वल टू फोर वाई एज इट इज रहेगा टू वन जॉ टू इज इक्वल टू फोर अब वाई की वैल्यू चाहिए तो इस वाले टू को हम इधर राइट साइड में लेके जाएंगे यहाँ प्लस था उधर माइनस का हो जाएगा फोर माइनस टू हो गया टू y की वैल्यू भी मिल गई z की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू यूज करो उसे इक्वेशन नंबर वन में रखो टू में रखो या फिर थ्री में रखो किसी में भी रख सकते हो वन में टू में या थ्री में आपकी मर्जी है हमने जो इक्वेशन ली है वो कौन सी ली है इक्वेशन नंबर वन ली है इक्वेशन नंबर वन लिखो टू एक्स प्लस वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू ट्वेल्व टू जेड एज इट इज वाई की वैल्यू है टू प्लस फोर एज इट इज जेड की वैल्यू वन इज इक्वल टू ट्वेल्व टू एक्स फिर टू एक्स इज इक्वल लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई में टू वहां आ जाके डिवाइड में हो जाएगा डिवाइड करो टू वन जै टू और टू थ्री जा सिक्स एक्स की वैल्यू भी आ गई एक्स की वैल्यू थ्री है तो सोल्यूशन क्या मिला एक्स इज इक्वल टू क्वल टू टू एंड इज इक्वल टू वन ये टोटल सोलूशन है यही हमें गोज एलिमिनेशन मैथड ये इक्वेशन है इस इक्वेशन को आप स्टूडेंट आप सोल्व करोगे सोल्व दोल्व द इक्वेशन एंड कमेंट द आंसर क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे आपने खुद भी देख लिया होगा कि कितना मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन है अगर आप एक भी स्टेप मिस कर गए एक भी स्टेप भूल गए तो क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा वैल्यू एक भी सही नहीं आएगी क्योंकि एक वैल्यू दूसरे पर डिपेंड है और दूसरी फर्स्ट टू पर डिपेंड है अगर जेड की वैल्यू खराब आ गई गलत आ गई वैल्यू तो वाई की गलत आएगी वाई की भी गलत आ गई तो एक्स की तो ऑटोमेटिकली गलत आएगी क्योंकि जेड भी गलत वैल्यू है और वाई की भी गलत वैल्यू है तो ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करो और आंसर कमेंट करो जिससे क्वेश्चन सोल्व हो जाए फिर भी आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में या इस वीडियो को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आप सी में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सी स्टडी को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें